हेलो फ्रेंड्स, RHEL6 की वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। ये ग्रेप कॉन सीरीज का 12th वीडियो है और इस वीडियो में सीखेंगे हाउ टू शो ओनली द मैच स्ट्रिंग। यानी जब किसी फाइल से आप कोई पैटर्न या स्ट्रिंग सर्च कर रहे हैं और आपको उस फाइल में से किसी लाइन का वही पार्ट आपको आउटपुट डिस्प्ले करना है जो आपकी स्ट्रिंग या पैटर्न से मैच हो रहा हो। यानी पूरी लाइन आपको प्रिंट नहीं करवानी है, केवल उस लाइन का वही पार्ट आपको आउटपुट में डिस्प्ले करना है जो आपके पैटर्न या स्ट्रिंग से मैच होता है। तो ग्रेप कमांड की सहायता से ये कैसे करते हैं वो इस वीडियो में सीखेंगे। तो इसके लिए ग्रेप कमांड का सिंटैक्स इस प्रकार रहेगा। सबसे पहले आपको लिखना ग्रेप, उसके बाद हाइफन ओ ऑप्शन, और उसके बाद वो पैटर्न या स्ट्रिंग आपको लिखना है जो आप मैच करवाना चाहते हैं, और उसके बाद उस फाइल का नाम लिखना है जिस फाइल से आप ये पैटर्न या स्ट्रिंग मैच करना चाहते हैं। तो आइए हम इसको एक एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। इसके लिए सबसे पहले आप टर्मिनल ओपन कीजिए, उसके बाद इसके लिए मैंने ऑलरेडी एक टेस्टिंग पर्पज के लिए एक डायरेक्टरी क्रिएट कर रखा है। तो सबसे पहले उस डायरेक्टरी मूव करते हैं। अब उस डायरेक्टरी का कंटेंट चेक करते हैं। तो अब टेस्टिंग पर्पज के लिए मैंने ऑलरेडी एक डेमो फाइल क्रिएट कर रखा है test1.txt। तो सबसे पहले उस फाइल का कंटेंट चेक कर लेते हैं कैट कमांड की सहायता से। तो ये उस फाइल का कंटेंट है, ठीक है। अब नॉर्मली हम ग्रेप कमांड यूज करके देखते हैं। जैसे मैं सर्च करना चाहता हूं नेम, तो इस कमांड का जो आउटपुट आएगा वो इस प्रकार आएगा कि test1.txt की जिस लाइन में भी नेम स्ट्रिंग अवेलेबल है ये उन लाइन को प्रिंट करेगा। तो देखिए इस कमांड का आउटपुट किस प्रकार आ रहा है, यानी पूरी लाइन आपको ये प्रिंट करके दे रहा है। अब मैं चाहता हूं कि मैं पूरी लाइन प्रिंट नहीं करवाना चाहता हूं, मैं उस लाइन का केवल वही पार्ट प्रिंट करवाना चाहता हूं जो इस पैटर्न से मैच हो रहा है। यानी होल लाइन आपको प्रिंट नहीं करवाना है, केवल आपको वही पार्ट आपको उस लाइन का प्रिंट करवाना है जो उस पैटर्न से मैच हो रहा है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड इस प्रकार लिखा जाएगा, ग्रेप हाइफन ओ, उसके बाद नेम, वो पैटर्न या स्ट्रिंग आपको लिखना है जो आप मैच करना चाहते हैं, उसके बाद उस फाइल का नेम लिखना है जिस फाइल से आप वो पैटर्न या स्ट्रिंग मैच करना चाहते हैं, फिर एंटर प्रेस करके देखिए। तो देखिए इस बार पूरी लाइन प्रिंट नहीं हो रही है, केवल वही पार्ट उस लाइन का प्रिंट हो रहा है जो उस पैटर्न से मैच हो रहा है। तो इस प्रकार आप ग्रेप कमांड यूज कर सकते हैं। उसके बाद अब मुझे उस लाइन को, जैसे मैं उन लाइंस को, उस लाइन का वो पार्ट प्रिंट करना चाहता हूँ उस फाइल में से जो W से शुरू हो रहा हो और नेम से एंड हो रहा हो, या नेम से खत्म हो रहा है, यानी W से शुरू हो रहा है और नेम पे खत्म हो रहा है। तो उसके लिए ग्रेप कमांड किस प्रकार लिखा जाएगा, देखिए ग्रेप हाइफन ओ और उसके बाद सिंगल इंडेंट कॉमा, उसके बाद W, फिर डॉट, और फिर इसके बाद स्टार, वाइल्ड कार्ड आपको यूज करना है, उसके बाद एंड किस हो रहा है नेम से। तो हम यहाँ पे लिखेंगे नेम, उसका इनोट कॉमा ओवर, उसके बाद उस फाइल का नेम आपको लिखना है test1.txt। अब इस कमांड का आउटपुट किस प्रकार आएगा कि ये उस जो लाइन इससे मैच होती है उस लाइन का केवल वही पार्ट आपको प्रिंट करेगा आउटपुट में जो W से शुरू हो रहा हो और नेम पे खत्म हो रहा हो। तो एंटर की प्रेस करके देखिए, तो ऐसी दो लाइंस मैच हुई है और उन दो लाइन का वो पार्ट प्रिंट हुआ है जो W से शुरू हो रहा है और नेम पे एंड हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे W से शुरू हुआ और नेम पे एंड हुआ, फिर ये लाइन भी W से शुरू हुई और नेम पे एंड हुई। तो इस प्रकार आप ग्रेप कमांड का यूज कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक बटन जरूर प्रेस करें, और मेरे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट्स के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइब कर सकते हैं। Thanks for watching.